सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। तेरे रंग कीचड़ ऐसा वो मटकी फोड़ वाला तो नहीं है ना परंपरा। अब बहुत ये चीजें बहुत खत्म हो गई। शाम को जो ले आकर के फोड़ देते थे दरवाजे पर, हाँ दरवाजे पर दूध उधर फूटते थे, गंदे गंदे मटके, गंदे गंदे ढेला फेंकने वाले, कुमा कुमा फेंकने वाला नहीं, नहीं बहुत खतरनाक। अब तो फिलहाल बहुत ये चीजें होती ही नहीं, ये सब थोड़ा सा पहले रुझान खत्म होकर चला जा रहा है। आपसी संबंध ज्यादा खत्म होते उसके हिसाब से कुल मिलाकर लक्ष्य हो गए है कि निर्विघ्न और आनंदमय होली हो। अगर इसमें जरा सा भी कहीं से किसी प्रकार का ये व्यवधान करने या कराने वालों की अगर है तो निश्चित रूप से आप लोग सहयोग करिए, नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है तो हम लोग जिम्मेदारी बनती है, बनती ही नहीं बताइए, तो कोशिश होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर अपने चले चपाटी हैं तो उनको टाइट करिए, नहीं हम टाइट करेंगे फिर तो उस लपेटे में आ जाओगे। चलो ठीक है, बड़ा अच्छा लगते हैं, कहीं साफ सफाई हर जगह गंदगी दिखाई दे रही है। ऐसा है अभी अकबरी का अभी अभी जोड़ा है, तो अपने यहाँ जो भी कर्मचारी थे वो थी सी में, तो कुछ क्षेत्र बढ़ गया अपने नगर पालिका का, तो उस वजह से एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है। अब जो मार्च आ रहा है इसमें पुनः दोबारा होगा इसमें थोड़ा सा एक चीज बता दें, कस्बे में जब नमाज का टाइम होगा, जब नमाज के लोग पढ़े जाएंगे उस समय थोड़ा लोग रोड पे रहिएगा, तो बता दीजिएगा घंटे जो है होली बाहर रखते हैं अपने घर पे, दो तारीख हो तुम्हारे घर पे दो रंगी आप सब लोग उस दिन जो है थोड़ा सा रोड पर रहिएगा, कल जो है कि आप लोग भी अनाउंसमेंट हम करवाएंगे, लेकिन आप लोगों को जो है कि बाहर निकल करके थोड़ा सा उस टाइम लोगों को बच्चों को खास करके वही हड़दंगियों पर कंट्रोल रखेंगे, कोशिश करेंगे कि हड़दंग न हो जो है जो मोटर गाड़ी और साइड जिसके बच्चे पकड़ गए तीन वो हड़दंग करते हुए तीन सवारी उनके बाहर गाड़ी बैठा छोड़ा नहीं जाएगा, तीन सवारी कुछ लगा करेंगे चार पांच जगह पूरा कस्बे में। अभी पक्का है आप लोग भी मैसेज दे देना, जिसके बच्चे पकड़े जाए उसके बाप पहले पकड़े जाएंगे। होली में जो मिले बाप मतारी जो मिलेगा ले आओ, होली समय से दो तीन चीज होता है, समय से पहले अपना बाद में दूसरे जला देते हैं। होली दहन के टाइम सारा कर एक आध दो बुजुर्ग बुजुर्ग रहना जरूरी है ना, कभी कभी सरकार का अगर कहीं करता तो उसके खिलाफ जो है सब लोग मिलकर के एक सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे अच्छा वो मौका नहीं मिले। हम लोगों का सबको मिलकर के प्रयास करना है कि ये सब मौके। आज मीटिंग में पूर्व प्रधान को बुलाया गया था, वो लोग नहीं आए हैं क्या? कुछ लोग आए हैं, जो कुछ कारण होते हैं उसी कारण को जो है नहीं होने देना है। लगातार हमारी टीम भी जो है भ्रमण करेगी, हर गांव के लिए स्ट्रेटेजिक नहीं हो सकता है, तो फिर जाएंगे तीन तीन चार चार पाँच पाँच गाँव के लिए, एक एक टीम जो है बनाई गई है, टीम रहेगी, उसके नंबर जब टीम बन जाएगी तो आप लोगों को उस मोबाइल टीम का नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, कि आपके गांव में ये सब टीमें आपके क्षेत्र में जाएंगी, ये उसका एक्सरसाइज कर लें, टीम करके दस गाँव एक तरफ है तो उस टीम का नंबर उस गाँव के प्रधानों को दे दी जाएगी। चल लीजिए और कुछ खिलाया, इसके बाद भी अगर तो हम लोग फिर एक होली मिलन करेंगे उसके बाद, कंट्रीब्यूशन आप लोगों का रहेगा, कंट्रीब्यूशन करेंगे यही चाहिए और बढ़िया है होली मिलन का। बिल्कुल आपका जो भी मतलब अराजक तत्व हैं में बहुत ज़्यादा विवादित आदमी हैं या जो खुराफात करते हैं उनको ये दिया जाता है, उनको इसलिए दिया जाता है कि उनको पहले दे दिया जाता है कि आपसे जो है संभावना का अपराध कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं। अगर इसको देने के बाद कोई गलत कार्य किया तो सीधे तगड़ी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई। ये कप्तान साहब को निर्देश से दिया जा रहा है ये कार्ड, जितने भी अराजक तत्व हैं इसमें कुछ लोग पार्टीबंदे वाली भी जो पार्टीबंदी में है विवाद में उनको भी दिया जाएगा। ये इसलिए दिया जाता है कि विवाद ना करें, अगर नहीं करते कोई दिक्कत, अगर करेंगे तब दिक्कत है। भैया अपने अपने गांव देख लो, एकदम बिल्कुल भाई धन्यवाद।